भस्म जो होती है वो पाउडर फॉर्म होती है ड्रग्स की, जिनको प्रिपेयर किया जाता है कैल्सिनेशन से, मेटल के कैल्सिनेशन से, मिनरल्स के कैल्सिनेशन से, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स के कैल्सिनेशन से. ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड्स जो है उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, या तो एयर की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड एयर की सप्लाई में. ठीक है, तो भस्म जो होता है वो पाउडर फॉर्म होता है ड्रग्स का, जिसको मेटल्स के, मिनरल्स के, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स के कैल्सिनेशन से बनाया जाता है एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू, एक क्लोज क्रूसिबल में. क्रूसिबल जो होता है एक पॉट होता है जिसमें सब्सटेंस जो है उनको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, और मेटल्स जो है उनको मेल्ट किया जाता है. ठीक है, तो एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है एक क्लोज क्रूसिबल में, या फिर पिट्स यानी कि गड्ढों में, जो कि कवर्ड होते हैं काउडंग से. काउडंग से यानी कि जो गोबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउडंग. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके प्रिपरेशन के टू स्टेजेस हैं. एक जो है फर्स्ट स्टेज जो है वो है शोधना, एंड सेकेंड स्टेज इज मरना. शोधना में क्या होता है कि मेटल्स या फिर मिनरल्स जो है उनको प्योरीफाई किया जाता है, उनको हीट करके, और फिर उनको इमर्स कर दिया जाता है किसी भी स्पेसिफिक लिक्विड में. ठीक है, शोधना जो प्रोसेस है वो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा जो मटेरियल है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो है मरना. मरन में क्या होता है कि ड्रग जो भी हम लोग को शोधना के बाद मिल रही है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, या तो प्लांट जूस के साथ या फिर एक्सट्रैक्ट के साथ, जो भी हम लोग को स्पेसिफाई किया गया हो प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी मॉर्टर और पेसल में. ठीक है, क्या करते हैं हम लोग की जो पाउडर फॉर्म में हमको ड्रग मिली, सबसे पहले हम लोग मॉर्टर और पेसल लेते हैं. ठीक है, उसके बाद मॉर्टर में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पाउडर ड्रग है वो डालते हैं, और फिर उसके बाद में उस पाउडर ड्रग पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट जूस या फिर एक्सट्रैक्ट जो भी हमको लेना है वो डाल देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से. ठीक है, उसके बाद अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रिपरेशन हमारी बनी है मॉर्टर और पेसल में, इसके हम लोग छोटे छोटे केक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे गोल गोल केक्स बना लेते हैं, और फिर उसको धूप में सुखा देते हैं. ठीक है, इन केक्स को अच्छे से सुखा लिया जाता है, और फिर उसको एक मटकी ट्रे में रख दिया जाता है, यानी कि मिट्टी का एक बर्तन होता है उसमें रख दिया जाता है. मिट्टी की प्लेट मान लो आप लोग, उसको मिट्टी की प्लेट बोलो, उसमें रख दिया जाता है. मिट्टी की प्लेट को हम लोग शरावा बोलते हैं, और फिर उसको वैसे ही मिट्टी की दूसरी प्लेट से ढक दिया जाता है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, सपोज़ ये एक हमारी मिट्टी की प्लेट है इस तरीके से. ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये केक रखा, और ये केक रख दिया इसमें हम लोगों ने, और ये दूसरी मिट्टी की प्लेट इसके ऊपर लगा दी. ठीक है, इस तरीके से हम लोग को रख दिया जाता है. तक उसके बाद में क्या होता है कि एंड द क्ले स्मियर क्लोथ कीप्स बोथ द लिड एंड द कंटेनर इन ऑपोजिशन. ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारी लिड है. अब क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पे ये दोनों जुड़ रखे हैं, यहाँ पे हम लोग क्ले स्मियर क्लोथ लगा देते हैं, लपेट देते हैं इसके चारों तरफ इस तरीके से. ठीक है, वापस मैं बताती हूँ, ये हमारा कंटेनर है जिसमें हम, मिट्टी का प्लेट है जिसमें हम लोगों ने केक रखा है. इस तरीके से यहाँ पे केक रख दिया है. ठीक है, ऊपर से हम लोगों ने एक ढक्कन वापस से लगा दिया, किसी मिट्टी के प्लेट का ही हमने ढक्कन लगा दिया इस पे. ठीक है, उसके बाद में ये जो दोनों एंड्स है ना, ये वाला और इसका जो कंटेनर का एंड है और जो लिड का एंड है ना, इन दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंड जहाँ पे मिल रहे हैं इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि एक क्ले स्मियर क्लोथ यानी कि मुल्तानी मिट्टी में भीगा हुआ एक कपड़ा लपेट देते हैं यहाँ पे. ठीक है, चारों तरफ इसके चारों तरफ से लपेट देंगे. ठीक है, और ये हम लोग क्या करते हैं 7 बार लपेटते हैं. ठीक है, जैसे पहले हमने एक बार ऐसे लपेटा, फिर हमने दूसरी बार लपेटा, फिर हमने तीसरी बार लपेटा, फिर चौथी बार लपेटा, ऐसे ऐसे लपेटते हैं हम लोग 7 बार. ठीक है, 7 बार लपेटने के बाद इसको अच्छे से सुखा लिया जाता है. ठीक है, उसके बाद में एक गड्ढा खोदा जाता है. उस गड्ढे में आधे हिस्से में, जैसे मैं समझाती हूँ, यहाँ पे सपोज ये हमने गड्ढा खोदा है. ठीक है, तो गड्ढे में यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं काउडंग केक्स डालते हैं यहाँ पे. फिर उसके बाद में ये जो हमारा लिड है, कंटेनर लिड है जिसमें हम लोगों ने केक को रखा है वो रखते हैं, और फिर वापस से हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर वापस से काउडंग केक्स रख देते हैं. ठीक है, उसके बाद में इस गड्ढे के चारों तरफ आग लगा दी जाती है, और बीच में जहाँ पे ये काउडंग केक्स रखे हुए हैं यहाँ पे भी आग लगा दी जाती है. इसको अच्छे से बर्न होने दिया जाता है, और फिर जब अच्छे से बर्न हो जाए तो इसको कूल होने दिया जाता है, ठंडा होने दिया जाता है अच्छे से. और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमने कंटेनर रखा था जिसमें लिड थी और कंटेनर था वो हमने रखा था, उसको निकाल लेते हैं, तो हमारी भस्म जो है वो बन के तैयार है. नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी प्रॉपर्टी. देयर शुड बी नो चंद्रिका और मेटेलिक लस्टर. ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का ग्लो नहीं होना चाहिए हमारे भस्म में. जब स्मॉल क्वांटिटी को जब हम लोग स्प्रेड करते हैं कोल्ड और स्टिल वाटर पे, यानी कि एक जगह पे जो रुका हुआ पानी है उस पे, और वो जो पानी है वो ठंडा है, जब हम लोग उस पे थोड़ा सा भस्म स्प्रेड करते हैं तो वो फ्लोट करना चाहिए पानी के सरफेस पे. ठीक है, अगर वो
सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तो उसका मतलब हमारा भस्म प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। और हम लोग को जो ये हमारी भस्म है इसको एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करनी होती है, एयर टाइट कंटेनर में रखनी होती है। वो एयर टाइट कंटेनर जो है वो ग्लास का भी हो सकता है या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ इसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।